उत्तरकाशी में पटवारी लेखपाल की लिखित परीक्षा के लिए जनपद में 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए। उसमें से 11,639 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा खत्म होने के बाद पॉलिटेक्निक सेंटर का एक अभ्यर्थी ने प्रश्न पेपर की सील पर सवाल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस बीच कुछ युवा भी डीएम से इस मामले में शिकायत करने पहुंचे। जब प्रशासन को पता चला कि उन्होंने कड़े कदम उठाए, सभी को सील पेपर की पूरी कार्रवाई की वीडियो कवरेज दिखाई गई। साथ ही जिस लड़के ने ये वीडियो वायरल की, उसके पेपर कक्षा की 4 सीसीटीवी वीडियो भी दिखाई गई। वहीं एसडीएम चतुर्थ सिंह ने पेपर सील पर अभ्यर्थियों के आरोप का भी खंडन किया है। साथ ही अभ्यर्थियों से प्रशासन संपर्क बनाए हुए है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। जब मैं अभी क्लास में था, जैसे मेरे पास पेपर आया है सर, तो इसकी दोनों सीलें आप देख सकते हैं सर। नॉर्मली पेपर पे क्या होता है कि दो सीलें लगी होती है, इसमें दो सीलें थी, लेकिन दोनों सीलें पहले से फटी हुई थी और इसके ऊपर एक और सील लगी हुई थी। जब मैंने ये वाली बात ये वाली चिपका रखी है और ये दोनों जो है ये फट रखी है, खुल रखी है। आप इस बात को देखिए सर, आप जूम करके बताएंगे, थोड़ा टेक्निकल टर्म देखना, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है क्या सर? देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत नजदीकी से दिखा रहा हूँ। इसकी कटिंग से आप बता सकते हैं कि मतलब ये फाड़ा हुआ है, आप देख लो भाई लोग, टेक्निकल फॉल्ट तो हो नहीं सकता। वहाँ पे डीएम वायरल हुआ है, अरुण कुमार नाम का एक छात्र है जिसने ये आरोप लगाया था कि जो उसको क्वेश्चन बुकलेट मिली है उसमें सील नहीं थी और एक ही सील थी, एक टूटी हुई थी। उसको लेकर के हमने जो आयोग के प्रतिनिधि हैं और यहाँ पे जो सेंटर है जहाँ पर परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा था, वहाँ के जो केंद्र के प्रभारी हैं उनको भी बुलाया है और उनसे सारी फुटेज, हमने सीसीटीवी भी और वीडियो की सारी फुटेज भी मंगाई है, हमने देख ली।